दोस्तों भारत नेपाल को हराने के बाद जाकर पहुंची एशिया कप 2023 का सुपर फोर में। जी हाँ दोस्तों, आज की इसी वीडियो में जानेंगे कि सुपर फोर में होने जा रही बहुत ही बड़े टक्कर यानी भारत बनाम पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुकाबला। भारत की 11 भुक्के से भारत के 11 प्लेइंग 11 कुचल डालेंगे पाकिस्तान को। जी हाँ, 11 प्लेइंग 11 स्ट्रांगेस्ट प्लेइंग 11 का हो चुका है ऐलान। जानेंगे आज की इसी वीडियो में मैं आज की पूरी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपका मनपसंद चैनल क्रिकेट ओडिशा 24 चैनल पर। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य बनता है। दोस्तों आप लोग अभी महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मुकाबला इन दिन होता है, आप लोग जानते हो। और भारत और पाकिस्तान के अंदर एशिया कप 2023 का बड़ी मुकाबला भी हुआ था 2 सितंबर को, लेकिन बारिश की वजह से दोस्तों मुकाबला पूरी नहीं हो पाया था, जिसके लिए दोस्तों फैंस भी बहुत ज्यादा निराश थे, दोनों देशों भी बहुत ज्यादा निराश थे। लेकिन दोस्तों फिर से हम सभी को एशिया कप 2023 की बड़ी मुकाबला बड़ी स्टेज पर सुपर फोर में दोनों देश लड़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबला हम सभी को 10 सितंबर रविवार यानी संडे के दिन में, रविवार के दिन है दोस्तों, रविवार छुट्टी के दिन पे दोस्तों बहुत बड़ी मुकाबला हम सभी को भारतीय समय अनुसार 3 बजे ये मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों ये मुकाबला हम सभी को श्रीलंका से लाइव देखा जाएगा, लेकिन दोस्तों भारत के 11 भुक्के सर 11 प्लेइंग 11 पाकिस्तान को कुचल डालेंगे। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए, पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आएंगे टॉप ऑर्डर में। तो टॉप ऑर्डर में विराट कोहली ऑब्वियसली निश्चित तौर पे नजर आएंगे नंबर 3 के ऊपर, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि विराट कोहली का पार कितना है। विराट कोहली भी इस मुकाबले हम सभी को सेंचुरी मारते हुए नजर में आ सकती है। पिछले मुकाबले में विराट कोहली अपनी पावर को नहीं दिखाया था, लेकिन पिछले मैच पर हार्दिक ईशान किशन ने भारतीय टीम को दोस्तों थोड़ी सी लजनक हार से बचा लिया था और बहुत ही अच्छे रन स्कोर का मामला खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से नंबर 4 के ऊपर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और हम सभी को ये चारों खिलाड़ी मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए मध्य क्रम में अपनी पारी को संभालते नजर आएंगे। तो भारतीय टीम की ये 11 भुक्के सर 11 प्लेइंग 11 में हम सभी को लोअर ऑर्डर में शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह एंड कुलदीप यादव नजर आएंगे, जो कि दोस्तों पाकिस्तान को कुचल डालने के लिए सक्षम रखते और पाकिस्तान को भी कुचल डालेंगे। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के अंदर 10 सितंबर रविवार को श्रीलंका से लाइव देखा जाएगा ये मुकाबला में। दोस्तों भारत दिखाएगा पाकिस्तान को अपनी पावर और आप लोग भी उम्मीद कीजिए कि बारिश ना आए और ये मुकाबला पूरी की पूरी हो जाए और भारत बनाम पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी मुकाबला को कौन सी टीम जीतेगी आप लोग ये बात निश्चित रूप में कमेंट बॉक्स में बताएगा।